यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। जहां वायुसेना का एक विमान जो है क्रैश कर गया और विमान जो है वो खेत में जा गिरा, और क्रैश के बाद की जो तस्वीरें हैं वो दिल दहलाने वाली है। आपको भी दिखाते हैं सुखोई 30 के क्रैश की पूरी खबर इस रिपोर्ट में। खेत में भयंकर आग लगी है, चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। लोग जलते हुए मलबे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग स्थानीय भाषा में बात कर रहे हैं। आग के शोले भड़क रहे हैं और धुएं का गुबार उठ रहा है। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको आग के चारों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आएगी। आग को देखकर लोग नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से आई है, जहां वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ओवरहॉलिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास था। नासिक रेंज के विशेष महानिरीक्षक डीआर कराले ने बताया कि सुखोई SU-30 MKI विमान के पायलट और को पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। विमान शिरस गांव के पास एक खेत में गिरा। घटनास्थल से कई तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें घायल पायलट और मलबे को देखा जा सकता है। हादसा इतना खतरनाक था कि फाइटर जेट के पड़खच्चे उड़ गए और मलबा खेत में दूर तक फैल गया। क्रैश होते ही विमान में भयंकर आग लग गई। आपको बता दें कि सुखोई MKI रूसी मूल का ट्विन सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना के पास 260 से ज्यादा सुखोई 30 MKI है। इन्हें साल 2002 में एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल किया गया था।